वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते 151.55 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक। यानी कि देखा जाए तो एक अच्छी रिकवरी की है आज के दिन में ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक ने, 7 पॉइंट की रिकवरी करता हुआ नजर आ चुका है और आज क्लोजिंग दे चुका है 151.55 पे। तकरीबन आज की मूवमेंट देखी जाए तो यहाँ पे 5.21% की रैली की है यहाँ पे ओएनजीसी स्टॉक ने। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सही टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए ओएनजीसी स्टॉक में फंडामेंटल नंबर्स देखने वाले और उसी के साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखेंगे आने वाले समय में कहाँ पे रजिस्टर और सपोर्ट लग सकता है ओएनजीसी स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो ओएनजीसी स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि रिसेंटली आज यहाँ पे आप देख सकते गैप अप से ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक अच्छी रैली की पूरे दिन भर यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दिया था, जैसे 150 लेवल को ब्रेक किया और उछाल देखने को मिली थी और क्लोजिंग यहाँ पे डे एंडिंग में 151.55 पे दे चुका था। मार्केट के यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते ओएनजीसी स्टॉक जो है और रिसेंटली यहाँ पे बाउंस बैक किया था, पर जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो है 200 मूविंग एवरेज। तो 200 का मूविंग एवरेज जो है उसका आज रेजिस्टेंस लिया ओएनजीसी लिमिटेड ने यहाँ पे तकरीबन 153 लेवल पे, उसी के साथ सपोर्ट 1 का भी वहाँ पे रेजिस्टेंस लग चुका है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएनजीसी वहीं पे रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिली थी। कल के दिन में यहाँ पे सेम लेवल पे ओपन होके ऊपर जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस लगने के चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ गैप अप से ऊपर ओपन होता है कल यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के, तो एक अच्छी उछाल यहाँ पे आप देख सकते 160 लेवल तक भी जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे आप देख सकते कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ओएनजीसी स्टॉक के लिए 160 से पहले। तो ओएनजीसी स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि हमने चार्ट एनालिसिस भी देखा तो कहाँ पे रिजिस्टेंस लग सकता है यहाँ पे ओएनजीसी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे डिटेल्स देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज 5% की रैली की है ओएनजीसी स्टॉक ने। मार्केट कैप देखा जाए तो 1,90,000 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 2 लाख के ऊपर भी था पर यहाँ पे लास्ट वीक में गिरावट के बाद यहाँ पे 2 लाख के नीचे आ चुका है। और पी रेशियो भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, 4.10 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू देखे हो जाए तो 206 का यहाँ पे बुक वैल्यू, 206 पे बुक वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 4.74% की डिविडेंड यील्ड है, वो भी अच्छी खासी है। आरओसी है 16.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 19.6% का, फेस वैल्यू ₹5 का है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो टोटल जो डेप्ट है यानी कि कर्जा देखा जाए कंपनी के ऊपर तो 1,21,000 करोड़ का टोटल कर्जा है, यानी कि जो देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है 45,000 करोड़ के ऊपर है, मीन्स 45,500 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है इस साल में यहाँ पे आप देख सकते 2022 के ईयर में। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खास है 58.9% की है और उसमें शेयर प्लेज नहीं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो एक साल में 26.8% का भी रिटर्न दे चुका है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक। तो बाकी के डिटेल देखने के पहले ओएनजीसी स्टॉक की हम लोग यहाँ पे टिकट टाइप पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे, कौन कौन सा चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, फोरकास्ट भी देखेंगे, प्राइस फोरकास्ट क्या कहती है वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले। तो ओएनजीसी स्टॉक की डिटेल देखे जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखी जाए तो यहाँ पे बेसिक में इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो जो करंट प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से यहाँ पे कम है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही दिखाई दे रहे, तो इंट्रेंसिक वैल्यू भी सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी जो होती है ना उसे भी अच्छा रिटर्न दे देता है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक। जैसे बैंक एफडी आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10 to 12,000, तो इसमें भी आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो मंथली बेसिस पे आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा, मीन्स बैंक एफडी से भी। तो डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा डिविडेंड भी देता है, वो भी हमने देखा 4% की डिविडेंड यील्ड है। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका भी बन सकता है इस स्टॉक में। नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स भी प्लेज नहीं, जो कि बढ़िया बात है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीज़ें देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है, और उसी के साथ क्वालिटी चेक्स भी देखा जाए तो क्वालिटी चेक्स भी देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में। तो ग्रोथ स्कोर देखा जाए तो सिर्फ ग्रोथ स्कोर जो है यहाँ पे पोअर परफॉर्मेंस दिखा गया है ग्रोथ स्कोर में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन में है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक है, सिर्फ ग्रोथ स्कोर यहाँ पे लो है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप भी देखिए, रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का ये स्टॉक है, मीन ज़्यादा रिस्क नहीं है इस स्टॉक में। जैसे कि इस स्टॉक में आप सिप की होती तो अभी तक यहाँ पे आप देख सकते 6,000 के 6,700 ही हो जाते थे पिछले 5 सालों में।
तो ONGC स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि न्यूज़ देखी जाए, तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे चेक की जाए तो 7 ईयर हाउस हैगो की है ONGC हाइयर ऑयल रियलाइजेशन इन क्वार्टर फोर FY 2022, मीन्स ONGC ने हाई ऑयल रियलाइजेशन यहाँ पे किया है क्वार्टर फोर में इस साल में। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म आफ्टर रिलायंस एंड ONGC। तो ONGC और रिलायंस, रिलायंस एक नंबर पे आता है प्रॉफिटेबल कंपनी में, फिर ONGC आता है। तो ONGC यहाँ पे आप देख सकते हैं ONGC के बाद टाटा स्टील भी यहाँ पे ऐसा बताया कि अच्छा प्रॉफिट बनाता जा रहा है। तो बाकी क्या चीज़ें देखे जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि होल्डिंग की भी बात की थी, तो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं ONGC होल्डिंग में देखोगे तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 1.50% से कम हो चुकी है लास्ट 6 महीने में, जो कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 58.91% की है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 6% की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी देख सकते हो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितने की है, जैसे कि 10.37 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 9.91 और पब्लिक होल्डिंग है 14.82% की। तो बाकी के डिटेल लेके जाए, इनसाइडर बल डील की बात की जाए तो अप्रैल में यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे हो चुकी थी 32 करोड़ की, 32.55 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट पे भी ध्यान डाले जाए तो यहाँ पे आप देख सकते 24 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से यहाँ पे आप देख सकते 79% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बाकी के डिटेल यहाँ पे प्राइस फॉरकास्ट भी देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे आप देख सकते 294 तक जाने के चांसेस है यहाँ पे मार्च में 2023 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन्स प्राइस फॉरकास्ट की बात की जाए तो इस साल में आप देखा जाए तो 95% यहाँ पे बढ़ सकता है प्राइस में, मार्च टू थाउजेंड सॉरी मई 2023 तक यहाँ पे प्राइस 294 तक जा सकते हैं, यानी कि बढ़ने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे। रेवेन्यू भी बढ़ सकता है यहाँ पे आप देख सकते मई टू मार्च 2023 तक। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ें अच्छे है। प्रोज में देखा जाए तो प्रोज में आप ध्यान डालो, पहला पॉइंट है स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइम मीन्स स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.72 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर। बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे देख सकते कि गुड डिविडेंड डील दे रहा है कंपनी, यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे आया है, मीन्स यहाँ पे क्वार्टर फोर में तो रिजल्ट अच्छा दे चुकी है कंपनी। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी रखा है 38.37% का। प्रोमोटर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में कम हो चुके, टैक्स रेट जो है वो लो है बहुत ही, और तकरीबन कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ROE वो पिछले 3 सालों में बहुत ही कम है, एवरेजली 11.70 है। कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटी 71,000 करोड़ के ऊपर है। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 का क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स पिछले क्वार्टर से भी अच्छे और पिछले साल से भी अच्छे हो चुके थे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पे आप देख रहे पिछले क्वार्टर से भी अच्छा था और पिछले साल से भी अच्छा था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है उस कटने के बाद जो प्रॉफिट था वो पिछले क्वार्टर से कम था, और जो नेट प्रॉफिट था वो पिछले क्वार्टर से कम था पर पिछले साल से यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जमाया था ONGC लिमिटेड स्टॉक ने। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल में 45,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ पे पिछले साल 16,000 का हो चुका था, उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे ONGC स्टॉक के लिए इस साल में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी देखी जाए तो शेयर कैपिटल जो है थे वैसे ही है, जो रिजर्व शेयर्स है वो बढ़ चुके हैं, और जो लोन लिए थे 1,33,000 के करोड़ की वो 1,21,000 पे आके रुके, यानी कि लोन भी यहाँ पे कम होती जा रही है दिन आ दिन। और यहाँ पे 1 लाख की यहाँ पे CWIP थी वो इस साल 71,000 करोड़ की है, यानी कि 71,000 करोड़ के यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस चालू है। तो इन्वेस्टमेंट देखे जाए तो 60,000 से 66,000 पे हो चुके हैं, और जो आधा एसेट है वो भी देख सकते हो 2,76,000 से 1,57,000 पे आके रुके। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ONGC स्टॉक के लिए।